मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी अपना बजट प्रस्तुत किया है। बताया जा रहा है कि काफ़ी दूरगामी बजट है और नए भारत की जो परिकल्पना है मोदी सरकार की, उसकी नींव रखने वाला बजट है। हमारे साथ बात करने के लिए असम से दिलीप साकिया साहब हैं। सर, किस तरह का बजट है जो अभी प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री जी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2023-24 का जो आज बजट पेश हुआ है माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, बहुत ही एक जनमुखी बजट है और गरीबों के कल्याण पे समर्पित ये बजट है। सबसे बड़ा जो खूबिया है इस बजट में, जो इनकम टैक्स का जो रिबेट हुआ है 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक जो बढ़ा दिया है, उसमें जो मध्यम वर्ग जो है और निम्न मध्यम वर्ग जो लोग है उसके लिए ये बजट ने बहुत बड़ा उनको एक फैसिलिटेट किया है। और इस आज़ादी का इस अमृत काल में हम सब चाहते हैं भारत विश्व का नंबर वन कंट्री बने, और जो भी IMF जैसे बड़े संस्थाओं का जो भी उनका प्रोजेक्शन है, भारत का जो प्रगति है वो प्रगति बहुत अच्छा से उसको एक प्रोजेक्शन किया गया है। इस बजट में नॉर्थ ईस्ट को सर क्या मिला है? हाइस्ट ST पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट का है, हाइस्ट OBC नॉर्थ ईस्ट का है, तो और वुमेन और यूथ नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसीलिए बजट का सबसे जो बड़े बड़े प्रावधान बजट में रखा गया है उसका बेनिफिट नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा। और पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट का जो विकास का जो गति है, वो देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक कनेक्टिविटी में एक विप्लविक परिवर्तन जिसको कहा जाता है, आमूलचूल परिवर्तन हम अपने को सामने में देख रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये जो भारत का दूरदर्शी बजट, इसको बताया जा रहा है।